मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 फरवरी 2023, और यहां पे 1 मार्च 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल 1010 एमको के सेफ में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देखिए, क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी थोड़ा निगेटिव है, 40,270 के आसपास की क्लोजिंग है, मात्र 38 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है, मात्र 38 पॉइंट। हाई भी अगर आप देखते हैं जो 40,390 के आसपास का हाई लगा है, और वहां से अगर बात करें तो लगभग 125 पॉइंट नीचे आया है। लेकिन आप इसके लो स्तर से भी बात करें तो लो लगाया 40,073 का, है ना, हाँ 40,073 का लो लगाया, यानी कि 40,075 मान सकते हैं, और क्लोजिंग 270 पर, यानी कि 200 पॉइंट रिकवर किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, 200 पॉइंट रिकवर किया, तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 200 पॉइंट इसने रिकवर करके दिखाया। अब क्लोजिंग 270 पर हो रहा है, तो चलते हैं जरा, 40,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट बन गया फिलहाल, 40,000 के नीचे जाने पे ही वीकनेस आपको फील करना है। तो देखिए, यहाँ पर से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए और एक लाइन को यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसी एरिया के आसपास में ये रेजिस्टेंस ले रहा है, 15 मिनट का चार्ट है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं बार बार ये ट्रेंड लाइन से गिर जा रहा है, तो इसके ऊपर जब जाएगा ना तब आपको बाइंग देखने को मिलेगा। तो हम खरीदने की कोशिश कर सकते हैं 40,350 के ऊपर, कितना के ऊपर, 40,000। देखिए 40,350 के ऊपर जाएगा ना तब आपको एक बाइंग देखने को बन सकता है, जरूर बाय करिए 40,350 के ऊपर। और इस कंडीशन में जो यहाँ से टारगेट की तरफ निकलेगा, वो पहला टारगेट होगा 40,425 का, 40,425 का, और दूसरा जो टारगेट बनेगा वो 40,490 से लेके वही 40,500 वाला राउंड नंबर आप पकड़ लीजिए, 40,500 का जो टारगेट है वो आपको देखने को बन सकता है। तो 40,500 जो है अब इसका महत्वपूर्ण सब रेजिस्टेंस एरिया है। हाँ, इसके ऊपर अगर ये 15-20 मिनट टिक गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको 40,600 से लेके 40,700 तक का बन सकता है, ये भी ध्यान रखना है। जो कल वाला लेवल था बिल्कुल वही लेवल है, तो 40,350 के ऊपर बाइंग करेंगे 425 से 40,500 के टारगेट के लिए, 600-700 उम्मीद है कि अगर इसके ऊपर टिक गया 40,500 के ऊपर तब आपको ये टारगेट मिल सकता है। तो अभी फिलहाल आप कॉल ऑप्शन पर ध्यान रखें, 40,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 40,300 का भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन कल है बुधवार, वेडनेसडे, तो हो सकता है ज्यादातर टाइम आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को बने। अब बात करता हूँ सेलिंग साइड में, तो देखिए ये जो दो कैंडल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है, और ये सपोर्ट एरिया कितने प्राइस का बन रहा है, तो ये सपोर्ट एरिया बन रहा है 40,050 का, जो कि आजकल लगभग 40,070 का लो लगा ना, वही एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो जैसे ही इस एरिया के नीचे गिरता है तो आपको सेलिंग के लिए तैयार हो जाना है, लेकिन ये सिर्फ एक सेफ ट्रेडर के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर कहां सेल करेंगे, 40,200 के नीचे आने पर एग्रेसिव ट्रेडर सेल करेंगे, 40,200 के नीचे आने पर, वहां से जो टारगेट बनेगा वो 40,100 से लेके वही 40,070 वाला जो टारगेट है वहां। हाँ, अगर ये 40,070 के नीचे निकलता है, 40,070 के नीचे निकलता है, यानी राउंड नंबर पकड़ लीजिए 40,550 वाला, 40,050 वाला, तब आपको टारगेट ये 39,900 तक के टारगेट की तरफ भागता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये 40,000 का जैसे ही सपोर्ट तोड़ेगा सीधे 100-150 पॉइंट की रैली आराम से मिल जाएगा, 39,900 और 39,800 तक के भी टारगेट आपको देखने को बन सकता है। कंडीशन है ये 40,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके नीचे ये ट्रेड करे तब, क्लियर है ना। चलिए 40,270 पर तो एग्रेसिव ट्रेडर सेल करेंगे 40,200 के नीचे, सेफ ट्रेडर 40,050 के नीचे, क्लियर है। सॉरी, आपको भी मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कौन सा पुट ऑप्शन लेना है ना, पुट ऑप्शन आप 40,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, बहुत ही जबरदस्त डेटा भी बना, ये चार्ट भी दिख रहा है। अब यहां से देखिए,
अगर आप ध्यान से रखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से सपोर्ट एरिया भी ये बना रहा है, यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे जा रहा है। ये एरिया भी टूटता है तो आपको सेलिंग देखने को बन जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि गैप डाउन, अगर गैप डाउन होता है तो अगर यहाँ से 400 पॉइंट नीचे खुल जाए तो जाहिर सी बात है ये 39,800 पे खुलेगा। तो कल वाला लेवल याद है आपको कि मैंने क्या बोला था कि 39,800 ये सारे एरिया अभी बीडी पे चलेगा, यानी कि बाय ऑन डीप पट लेके चलेंगे हम लोग। टारगेट हो जाएगा गैप डाउन में बाइंग करेंगे, टारगेट 39,900 से लेके वापस से 40,200 तक का टारगेट आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन आप चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, इस कंडीशन में आप 39,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ध्यान ये रखना है कि 39,500 जो बजट वाला सेशन का लो था उसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 39,500 तक आप बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। अगर ये गैप डाउन नहीं होके किसी कारणवश मान लेते हैं गैप अप खुलता है, यानी कि ऊपर के एरिया पे खुल जाए, तब ऊपर के एरिया पे खुलता है तो कितना ऊपर खुलेगा, 40,200 पर ट्रेड हो रहा है, 250 पे 400 पॉइंट खुलता है तो 40,600 के आसपास खुलेगा या 40,700 के आसपास खुलेगा, है ना, यही दो एरिया के आसपास खुलेगा। तो यहाँ पे ऐसा सेल ऑन राइज, आपको पहला तो कंडीशन में सेल मारना है, पहला कंडीशन में आपको सेल ही मारना है, क्योंकि जो लोग नीचे के भाव पे फंसे हुए वो ऊपर के भाव पे निकलने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट जो पहला खुलेगा वो 40,500 से लेके 40,300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें, 40,500 से 40,300 तक, यानी कि 40,500 और 40,300 तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन बाय करेंगे 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, यानी कि सेल ऑन राइज गैप अप सिचुएशन में आपको करना है, ऊपर के लेवल पर सेल करने की कोशिश करना है। क्लियर है, ये है बैंक निफ्टी का पूरा लेवल। दोस्तों देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग, अभी फिलहाल शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग नहीं आया, फ्रेश बाइंग 41,000 के ऊपर आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं जरा निफ्टी की तरफ, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ, और ये आ गया निफ्टी। अब देखिए 18,000 आज 18,000 के ऊपर, अभी तो बहुत ऊपर की तरफ में है, मैं फिलहाल इसको अभी डेली के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, तब फिर वहां पे बात करेंगे। डेली का चार्ट आपके सामने में आ गया, 17,300 के आसपास है, लो कितना लगा ये भी ध्यान रखिए, लो लगाया इसने 17,250 का लो लगाया, क्लोजिंग 300 पर कर रहा है, इनके 50 पॉइंट रिकवर किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो है 250, यही एरिया अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 250 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऊपर के भाव पे ही दिख रहा है, वो तो अभी भी वैलिड है, 17,450 500 ये सब बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो चलिए जरा इसको देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे ये करना क्या चाह रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखा दूँ, ये क्या है, यहाँ से भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस एरिया से एक लाइन को ड्रॉ कराइए तो पता चलेगा यहाँ से बाउंस हो जाता है, इस एरिया से बाउंस हो जाता है, तो यहाँ पर है तो यहाँ से बाउंस हो रहा है, आज हुआ भी है थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे ना, लेकिन क्या ये सक्सेस करेगा बाउंस या नहीं, ये है। तो हमें अगर ऊपर के एरिया पर अगर बाय करने का जरूरत है तो हम इस जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,340 से 50 का, उसके ऊपर बाय करेंगे, यानी अगर आपको बाय करना है तो आप 17,350 के ऊपर बाय करिए, जो टारगेट बनेगा वो 17,400 और 17,450 के आसपास का टारगेट बन सकता है। आज का हाई प्राइस अगर देखें तो 17,440 के आसपास का हाई लगाया हुआ था इसने, बिल्कुल 17,440 के उसी के आसपास ये पहुंच सकता है, इसके ऊपर अगर टिका तब 17,500 का एरिया को क्लेम कर सकता है, जिसका चांस हालांकि कम है, कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉल ऑप्शन आप यहां से ले सकते हैं 17,350 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, 450 से 500 इसका हर्डल है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी मैंने आपको एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग के साइड में बता दिया, अगर सेलिंग करना हो तो बिल्कुल सेल करिए ना, यही तो दो कंडीशन है, 17,250 इसी के नीचे तो आपको सेल करना है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, 17,250 सेल का जो लेवल है 17,250 का है, सेल करेंगे हम लोग यहाँ पे 17,250 इस दो कैंडल के नीचे में, इस दो कैंडल के नीचे में आपको सेलिंग करने का जरूरत है, ये ध्यान रखना, ये दो कैंडल तो इसका लेवल आता है 17,250, इसके नीचे अगर गिरा तो आपको बिल्कुल सेल से डरना नहीं है, और टारगेट जो खुलेगा वो 17,225
और 17,175 और 17,150 तक के टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकता है। और 17,150 से 125 वाला एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन, आप यहां से पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 17,250 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये निफ्टी में लेवल है दोस्तों, तो बहुत ही देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है और निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अब मान लेते हैं ये गैप अप खुल जाता है किसी कारणवश, ऊपर के भाव पे खुलता है, ये नीचे नहीं खुल के ऊपर खुल जाए, पहले गैप अप समझते हैं। और 150 पॉइंट अगर ये खुल जाता है, 17,300 पे क्लोज हो रहा है, तो 17,450 से लेके 17,500 के पास में खुलेगा पहला कंडीशन। तो आपको SR स्ट्रेटेजी यूज करना है, यानी कि सेल ऑन राइज करना है। देखिए अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज, आप यहां पे सेल करेंगे, टारगेट जो खुलेगा 17,425 से लेके 17,325 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 325 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं, पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं इस कंडीशन में, और 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,450 का ही इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर। अब ये मान लेते हैं गैप अप नहीं खुला और किसी कारण बस ये गैप डाउन खुल गया, यानी नीचे खुल गया, तो यहां से अगर ये नीचे खुलता है तो ये 17,150 के आसपास खुलेगा गैप डाउन में। अगर मान लेते हैं 150 पॉइंट अगर ये खुलता है तो 17,150 के आसपास में खुलता है या 17,100 पर खुलता है। ये दोनों ही एरिया पे आप पहला कंडीशन में तो बाय ही करेंगे, गैप डाउन कंडीशन में बाय ही करके चलेंगे। टारगेट 17,175 से लेके 17,275 तक का टारगेट आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो 17,150 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है निफ्टी का लेवल, सिंपल है, 17,100 पर बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया, तो यहाँ से ये बाउंस करने के पूरे चांस लगाएगा। 17,125 वाला एक लेवल हुआ होता था आज से एक महीना पहले, उस लेवल के आसपास ये बहुत बार होल्ड कर रहा था। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल 1 0 10 एमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।